नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं आपकी समस्या के समाधान। आज बात करेंगे गोपा अष्टमी की आपके खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज बात कर रहे हैं गोपाष्टमी की। गोपाष्टमी कार्तिक मास की अष्टमी, इस दिन गाय की पूजा आपको लाभ दिला सकती है। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आज जानेंगे गोपाष्टमी पर कैसे करें गाय माता की पूजा, साथ ही इसके पीछे की कथा भी जानेंगे। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय गौ माता। तो चलिए विस्तार से पंडित जी से जान लेते हैं गोपाष्टमी के बारे में। गुड़लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। माँ गौ माता को प्रणाम करके आज का एपिसोड शुरू करता हूं। आज गोपाष्टमी का त्योहार है। गोपाष्टमी ब्रज के अंदर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। गौ माता की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा, लल्ला का नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सप्तमी तिथि तक जितने भी गौ पालक थे, गोप थे, गोपियां थी, उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली के ऊपर धारण किया था। उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी तिथि का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि आज तक चला आ रहा है। हिंदू संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है। गौ माता को मां का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक मां का हृदय कोमल होता है, ठीक वैसा ही गौ माता का हृदय भी बहुत कोमल होता है। जैसे एक मां अपने बच्चों को हर सिचुएशन में, हर स्थिति में सुखी देखना चाहती है, ठीक वैसे ही गौ माता भी हम मनुष्य जाति के लोगों को सुख प्रदान करती है, लाभ प्रदान करती है, दूध के रूप में अमृत प्रदान करती है। सोचिए, जब गाय नहीं होगी तो दूध कहां से मिलेगा। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। गौ पूजन कार्यक्रम में सभी लोगों को परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। गोपाष्टमी की पूजा विधि पूर्वक विद्वान पंडितों के द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। प्रसाद को सभी में वितरण किया जाना चाहिए। सभी लोग गौ माता का पूजन करके गौ माता के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझें, गौ रक्षा, गौ संवर्धन का संकल्प करें। शास्त्रों के अंदर गोपाष्टमी पर्व पर गौ माता की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल गौ माता को स्नान कराकर उन्हें सुसज्जित करके गंध पुष्पादि से गौ माता का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात यदि संभव हो तो गौ माता के साथ कुछ देर तक चलना चाहिए। कहते हैं कि गौ माता के साथ कुछ देर चलने मात्र से आपके लिए प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। गौ माता को भोजन कराना चाहिए, गौ माता के चरण को मस्तक पर लगाना चाहिए, गौ माता के चरणों की रज को यानी धूल को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में जाकर, गौ पालकों के यहां जाकर गौ माता की पूजा अर्चना करें, उसके साथ साथ में गौ पालक की भी पूजा अर्चना करें।
दीपक, गुड़, केला, लड्डू, पुष्प माला, गंगाजल इत्यादि वस्तुओं से गौ माता की पूजन करें। गौ माता की पूजन करने से पहले भगवान कृष्ण की पूजा करके फिर गौओं को तिलक लगाएं, गौ माता को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाएं, सुख समृद्धि की कामना करें। गोपाष्टमी की पूजन विधि जो है वो बहुत सरल है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम क्या पड़ा? गोविंद। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक गौ गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। आठवें दिन क्या हुआ था? आठवें दिन इंद्र जो है वो अहंकार रहित होकर, जब उसका सारा क्रोध खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, तब वो भगवान कृष्ण की शरण में आया। कामधेनु ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, उसी दिन से उनका नाम गोविंद पड़ा और उसी दिन से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाए जाने लगा जो कि अब तक चला रहा है। गोपाष्टमी के दिन बछड़े सहित गौ माता की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल में ही गौ माता को भी स्नान करना चाहिए। गौ माता के अंगों में मेहंदी लगानी चाहिए, हल्दी लगानी चाहिए, रंग के छापे लगाने चाहिए, ऐसा करके उन्हें सजाइए। गंध, धूप, पुष्प आदि से गौ माता की पूजा कीजिए। अनेक प्रकार के वस्त्रों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा गौ माता का पूजन कीजिए। गौ माता की आरती कीजिए। गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को कुछ ना कुछ उपहार आदि अवश्य दीजिए, उनका भी पूजन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर गौ पालक नहीं होंगे तो गौ माता की सेवा कौन करेगा? गौ माता को गौ ग्रास देकर उनकी प्रदक्षिणा करें, उनकी परिक्रमा करें और जैसा मैंने आपको बताया कि संभव हो तो थोड़ी दूर तक गौ माता के साथ में जाएं। इस प्रकार गौ माता की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और जब गोपाष्टमी के दिन शाम को गौ माता चरकर जब वापस आए तो उस समय उनका अभिवादन करें, जिसको गोधूली वेला बोलते हैं। गोधूली वेला में का मतलब ही ये है कि जिस समय गौ माता वापस अपने घर को आती है वही गोधूली वेला कहलाती है, सबसे शुभ वेला कहलाती है। तो शाम को गोधूली वेला में गौ माता का अभिवादन करें, पंचोपचार पूजन करके उनके लिए पुनः भोजन सामग्री अर्पण करें और उनकी चरण रज को, उनके पांव की धूल को, मिट्टी को अपने मस्तक पर, अपने माथे पर तिलक के रूप में धारण करें। सभी प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि होती है। भारतवर्ष के सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं में पिंजरापनों के लिए बड़े ही महत्व का उत्सव है। गोपाष्टमी के दिन गौशालाओं की संस्था को कुछ न कुछ दान अवश्य करिए। जो भी आपकी श्रद्धा हो, एक रुपए से लेके लाख करोड़ तक जो भी आपकी श्रद्धा हो, गोपाष्टमी के दिन सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि गौशाला में जाएं, वहाँ कुछ न कुछ गौ माता की सेवा के साथ में, गौ पालकों का सम्मान के साथ में गौशालाओं में कुछ दान अवश्य करके। देखिए, कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास के अंदर दान का विशेष महत्व है, तो गौशाला के अंदर जो आप दान करेंगे अक्षय गुना होके प्राप्त होगा जरूरत पड़ने पर। गोपाष्टमी के दिन सारा दिन गौ माता की चर्चा करने में ही लगाना चाहिए। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से ही गौ वंश की सच्ची उन्नति होती है, जिस पर हमारी उन्नति 16 आने निर्भर है। गौ माता की रक्षा को हमारी रक्षा समझना चाहिए। गौ माता को नहलाकर नाना प्रकार से वस्त्रों के द्वारा सजाएं, मेहंदी के थापे, हल्दी रोली से पूजन कर उन्हें विधिवत पूर्वक भोजन इत्यादि अवश्य करें। पंडित जी, श्री कृष्ण की गौ चारण लीला कथा भी आपसे जानना चाहेंगे। गोपाष्टमी की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने, लल्ला ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन
लल्ला माता यशोदा से बोले कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली कि अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें, तुम बड़े हो गए हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, बाल रूप के श्री कृष्ण कहते हैं, लल्ला कहते हैं कि मैया अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए, अब तो हम गऊ चराएंगे। मैया बोलती है कि ठीक है बेटा, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया ने जैसे ही इतना सा कहा, झट से लल्ला जो है वो नंद बाबा के पास पहुंच गए और बोले कि बाबा मेरे को तो अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं अब बछड़े नहीं चढ़ाऊंगा, मैं तो अब गऊ चराऊंगा। तो नंद बाबा बोले कि लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं हमारा छोटा सा लल्ला कहता है, कान्हा कहता है कि बाबा हम बछड़े चराने तो नहीं जाएंगे, अब तो हम गौ ही चराएंगे। और जब भगवान नहीं माने, वो छोटे से कान्हा नहीं माने, लल्ला नहीं माने, तो पिता क्या करे? तो बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम एक काम करो, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर झटपट से लल्ला जो है वो पंडित जी के घर पहुंच गए और बोले पंडित जी को कि पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्होंने पंडित जी को इतना मोह लिया, क्या बोलते हैं कि आप तो एक काम करना पंडित जी, कि आज का ही मुहूर्त देखकर बता देना और बदले में मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। एक 6 वर्ष का छोटा सा नन्ना सा काना बालक जो है पंडित के घर पहुंच के बोलता है कि मैं आपको माखन दूंगा, आप तो आज का ही मुहूर्त बता देना। भगवान जिसके द्वार पे खड़े हो उसका तो जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। तो वो तो पंडित जी जो थे वो तो उस लल्ला की मूरत को देखते ही वैसे ही वो भाव विभोर हो चुके थे, उनको तो कुछ सूझा ही नहीं। लल्ला जो है पंडित जी को लेके नंद बाबा के पास पहुंचे। अब पंडित जी भी क्या करने लगे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। जब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं उंगलियों के ऊपर, पंडित जी बोले कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कुछ वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। देखिए कैसे पंडित जी लल्ला की बात में आ गए। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को कान्हा को गोचारण की स्वीकृति दे दी। और भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है, उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया और वो शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी तिथि, जिस दिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने लल्ला ने कान्हा ने गौओं को चराना शुरू किया था। भगवान के गौ चारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब आगे की कथा सुनिए, माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, गऊ चराने जा रहे हैं पहली बार, तो उनका श्रृंगार किया और जैसे ही पांव में जूतियां, छोटी छोटी जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला पीछे हट गए और मना कर दिया कि मैं तो जूती नहीं पहनूंगा मैया। तो मैया ने पूछा कि क्यों नहीं पहनोगे लल्ला तुम, तो क्या जवाब देते हैं छोटे से कान्हा कि हे मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूं, यदि पहना सकती हो तो मेरी सभी गौ माता को जूतियां पहना दो, उसके पश्चात मैं जूती पहन दूंगा। देखिए यह भावना कितनी बड़ी भावना है, दूसरों के सुख में सुखी होना। भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी पांव में जूतियां धारण नहीं करी।
आगे आगे गौ माता, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते कान्हा, और उनके पीछे पीछे बलराम भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए, ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण की लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वो वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। जय श्री कृष्ण। दर्शकों फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए गुड लक टिप्स में।